ये आ गई अपनी मेट्रो और भागम भाग चल रही है मेट्रो के लिए। आपको मेट्रो पकड़ के ऐसा बढ़िया खाना दिखाने वाला हूं ना कि जो मेट्रो की स्पीड से भी तेज बिकता पा रही है कमाल का। भाई मजा आ जाएगा, दिखाएंगे भी नहीं खिलाएंगे भी, मजा आ जाएगा पूरा। फटाफट चलो वीडियो में शुरू करते हैं, आज ऐसे ही चलेगा काम। भाई पहुंच चुके हैं सीपी के अंदर, खाने की जो खोजने की शुरुआत है वो हो चुकी है। पर सबसे पहले ये देखो भाई ऑटो वाले भैया कैसे बैठे हैं, जो फूड ब्लॉगर है ना वो भाई आते भी नहीं कहीं। बाजी इधर देखना, नहीं ये पहचानो हमारे फूड ब्लॉगर भाई है, ये भी हमारे साथ में है। और सीपी के अंदर फूड एक्सप्लोरेशन शुरू हो चुकी है भैया, तो फूड भी ढूंढा जा रहा है। देखो पहले ऑटो पे, फिर आगे से ई रिक्शा भी पकड़ेंगे, मतलब ढूंढ ढूंढ के कोने कोने से खाना निकालेंगे। तो भाई सीधा मेट्रो से उतर के ना पहुंच चुके हैं सीपी के अंदर। सीपी के अंदर आते ही ऑटो पकड़ के आ गए हैं जी इस गली के अंदर। ये इतनी फेमस गली अगर आप दिल्ली में रहते हो जरूर पहचानते होंगे। पर इस गली के अंदर ना मुझे बताया गया कि छोले भटूरे बहुत फेमस है, पर आज छोले भटूरे नहीं दिखाने भाई, आज दिखाने आगे छोले कुलचे इतने कमाल के की। ओहो फटाफट आ जाओ फटाफट, क्राउड अभी भी पूरा यार छोले भटूरे का सेटअप खत्म हो चुका है। पर जो दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखानी है भैया जी, राम राम। सर नाम बता दीजिए आप अपना। अभिनव नाम है भैया। तो अभिनव भैया मैं दिखाने हैं आपके छोले कुलचे, मटर कुलचा बोलते हैं यहाँ पे। अभी देखो लोगों को वर्ल्ड वाइड पता आपके छोले भटूरे बहुत फेमस है, पर मटर कुलचा लोग कहते हैं कि आपकी दुकान का छुपा हुआ खजाना है। सर लगा के दिखाएंगे एक प्लेट मटर कुलचा की। सर बन रहा है, ये देखो भाई पीछे सेटअप है वैसी जैसे फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ ताऊ जी बैठते हैं छोले भटूरे के लिए, यहाँ पे भी बैठे हैं अंकल जी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही। तो ये सेटअप चेक करो यार, एकदम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बैठे हैं अंकल जी और लगा रहे हैं मटर कुलचा। ये पत्ते रखे हैं सर यहाँ पे, पत्ते हैं भाई ये पत्ते रखे, एक बार प्लेट लगा के दिखाइए सर। और अभिनव भैया कितने की प्लेट रहती है अपनी? ये 75 रुपीस की प्लेट है। देखो जी मटर आ गए एकदम बढ़िया गर्मा गर्म। और ये भी भैया कितने सालों से बेच रहे हैं हम? 75-76 प्लस होंगे भैया। अच्छा 75-76 साल हो गए हैं जी इसको भी बेचते हुए। ये क्या क्या डाला अंकल जी आपने? इसमें नमक पड़ा है, मसाला पड़ा है। नमक आ गया, मसाला आ गया और ये आ रही चटनी। ये चटनी आ रही है, वाह इमली की जी, अमचूर है, अमचूर की चटनी। और ये देखो बढ़िया से मिला के ना 75 सालों से भाई यहाँ पे छोले कुलचे बेचे जा रहे हैं। और जो सेटअप की रंगत है ना वो आपने ऐसा सेटअप कहीं और देखा नहीं होगा। सीपी इतना एडवांस हो चुका पर ये चीज़ आपको कोई और सीपी में दिखेगी नहीं। जैसे बाहर तो भैया सारे ब्रांड्स ने कब्जा कर रखा है, यहाँ पे आप खिला रहे हो पूरा देसी खाना, क्या बात है यार। ये देखो अभी ऊपर हरी मिर्ची भी आई, धनिया भी आ गया, वाह। और ये प्लेट लग के तैयार है। और इधर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये तवा रखा हुआ है छोटा सा, अंगीठी, इसके ऊपर कुलचे सेके जा रहे हैं। ये ऊपर कुलचे पड़े बहुत ही बढ़िया। और शाम कितने बजे तक रहते हैं यहाँ पे छोले कुलचे? इसका कोई टाइम नहीं है सर। अच्छा अभी है तो चल रहे हैं, बाकी बंद रहा कोई टाइम है मेरे पास माल, बस यही रह बच गए हैं यार। लगा दीजिए सर एक प्लेट हमारी भी। ये देखो भाई अपनी प्लेट लगने जा रही है छोले कुलचे की, 75 रुपए की प्लेट है। टमाटर आ गया, ये बीच में आ गया जी मटर, वाह। मसाला बोलो, ये मसाला क्या? अच्छा मीडियम, ज्यादा तेज नहीं। ये मसाला आ गया जी, मसाला भी पूछ के लगाया जाता है कैसा चाहिए आपको। ये चटनी और ये देखो, वाह अभी भी देखो यार पीछे से आपको आवाज आ रही है, कस्टमर्स आ रहे हैं, पर छोले भटूरे यहाँ पे खत्म है। ये मीडियम में भी सर इतनी मिर्ची आएगी? ये हरी मिर्ची, अदरक, धनिया, भाजा। अच्छा हाँ जी। ये देखो जी नींबू लगा के प्लेट हो गई तैयार। तो भाई 75 रुपए देके ना आपको ये छोले कुलचे की प्लेट मिलेगी, तो बढ़िया कुलचे गर्म करके मक्खन के साथ। और ये देखो पास से जो भाई छोले कुलचे लो ना, तो ऐसे करो बढ़िया नींबू डालो एकदम रस डाल के ना। अब ये आओ, ये हरी मिर्चियाँ पूरी ऊपर सजाई हुई हैं, ये साथ में छोले हैं। सीपी पूरा का पूरा एडवांस, और सीपी के अंदर आज भी 75 सालों से ना ये देसी सामान मिल रहा है। 75 साल पुरानी दुकान है, 75 रुपए की प्लेट है। टिपिकल जैसे दिल्ली में मटर कुलचे चलते हैं ना वैसे छोले कुलचे हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल सकते। स्वाद कमाल है, छोले भटूरे मैंने खाए नहीं इनके, उनका कैसे आप कमेंट करें बताना। और 75 रुपये मेरे को थोड़ी महंगी लगी, 500-600 का बजट था मेरा, 75 के। अब आगे हम चलते हैं और दिखाते हैं भाई और क्या क्या नगीने छुपे सीपी के अंदर। ये धमाल लगे ना आगे वाले को भाई कमाल ही कर देंगे। चलो भाई जो शाम की बढ़िया भूख है ना, हमें ले गया हनुमान जी के मंदिर के पास, और यहाँ पे श्री राम जी कचौड़ी वालों पे आपको शाम का बढ़िया नाश्ता दिखाना है। इतना कमाल का भाई सामान है ना कि पीछे आप रश देख ही रहे हो, बैठने को जगह नहीं मिलती, फटाफट आ जाओ देखे है क्या चीज़। सर ग्राहकों की पूरी भीड़ है इस टाइम, सीधा आपको ओनर साहब से लाते। सर जय सिया राम जी। जय हनुमान जी महाराज की। जय हनुमान जी की। सर क्या हाल चाल है? बस अपना सुना मेरे मालिक। बढ़िया। सर नाम बताइए सबसे पहले अपना। सर नाम विष्णु। वाह वाह वाह, मतलब हनुमान जी के मंदिर के बाद विष्णु जी भी हैं, बहुत ही बढ़िया। सर क्या क्या रहता है अपने पास, दिखाइए थोड़ा सा।
ये आलू का ब्रेड है, समोसा है, कचौड़ी है, पनीर का ब्रेड पकौड़ा है, कचौड़ी वाह। और ये पतीले, ये सब्जी आलू की है, सब्जी आलू की। ये देखो भाई अंदर से दिखाते हैं आपको, एकदम बढ़िया सब्जी आलू की वाह। अरे दो वाले से मिले शुक्ला जी, विष्णु जी इसमें प्याज और लहसुन तो नहीं रहता, कभी नहीं पड़ता साल में 12 महीने, कभी नहीं पड़ता साल के 12 महीने में से प्याज और लहसुन नहीं रहता, कभी नहीं रहता। ये है जी ब्रेड का पकौड़ा और ये पनीर वाला भी होता भैया। हाँ जी मालिक, क्या है? वाह जी बहुत बढ़िया, एक सिंगल है। भाई जो दिल्ली वाले हैं बहुत दीवाने इस दुकान के, दूर दूर से लोग खाने आते हैं। विष्णु भैया कितनी पुरानी दुकान है अपनी? सर दुकान तो मेरे मालिक 52-53 साल हो गए। वाह 52-53 साल पुरानी। और हनुमान मंदिर के पास बहुत मशहूर है ये ब्रेड पकौड़े के साथ भी भैया, हम सब्जी सब्जी आलू की है। वाह और ये देखो भाई आप यहाँ आ जाओ बाबू जी, ये भैया। और क्या यार माहौल है यहाँ पे शाम के नाश्ते का। विष्णु भैया कचौरी की प्लेट लगा के दिखाइए, कचौरी बहुत फेमस आपकी। सर साबुत लेंगे तोड़ के खिलाएं, तोड़ के सर बढ़िया जैसे आप बनाते हैं। ये देखो भाई एकदम बढ़िया कचौड़ी तोड़ी है, उसमें भरा क्या होता है विष्णु भैया? इसके अंदर दाल होती है उड़द की, दाल उड़द की पिट्ठी भरी हुई है जिसके अंदर। और यहाँ से आएंगे गर्मा गर्म आलू। ये देखो भाई। और विष्णु भैया मैंने सुना आलू में आप कंजूसी नहीं करते, कोई एक बार मांगे मेरे मालिक 3-4 बरखों कोई दिक्कत नहीं है, बात है यार, जब तक मन नहीं भरा जब तक खातरों को टेंशन नहीं। और आप हर ग्राहक को मालिक कह के बुलाते हो ना? हमारे है ही वो मालिक, उनके बिना तो कोई काम ही नहीं हमारा। वाह ये देखो जी कचौरी की प्लेट लग के तैयार है। विष्णु भैया कितने की रहती है? सर 30 की एक होती है, 30 रुपए की प्लेट है। एक सर ब्रेड पकौड़ा भी लगा के, ठीक है सर। ब्रेड कौन सा लेंगे, पनीर का आलू का? पनीर वाला सर। ये देखिए जी अब ब्रेड पनीर का पकौड़ा आ गया, अब इसकी कटिंग की जाएगी। वाह कटिंग करके ढूंढे में, और साथ में इसके भी भैया आलू की सब्जी है ना? जी सर एकदम बढ़िया आलू की सब्जी। बाहर आप ग्राहकों की भीड़ देखो यार। लो मालिक विष्णु भाई टाइमिंग भी बताइए क्या रहे सर? टाइमिंग मेरे मालिक वैसे तो सुबह 5 बजे से जी से चालू रहते, मंगलवार को शनिवार को रात को 12 बजे तक। बहुत बढ़िया सर, बाकी दिन सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो अभी भाई आपको खा के बताते स्वाद कैसा। तो भाई वो हनुमान जी के मंदिर के बाहर यहाँ की कचौड़ी बहुत ज्यादा फेमस है सीपी के अंदर। बढ़िया आलू के साथ कचौड़ी, अकेली कचौड़ी लो 30 की, सब्जी के साथ लो 30 की, सब्जी जितनी बार मर्जी देते, स्वाद देखते हैं यहाँ का है कैसा। ओ भाई हिंग का बहुत ही कमाल का फ्लेवर है, बढ़िया कचौड़ी है और सब्जी के साथ ही खाना क्योंकि सब्जी के साथ इसका मजा आएगा। पुराने स्वादों के शौकीन हो ना, पुराने पुराने दुकानें पुराना पुराना स्वाद चाहते हो तो यहाँ आके जरूर ट्राई करना, बड़ा मजा आ जाएगा। और ये यहाँ का भाई 40 रुपए का ब्रेड पकौड़ा है पनीर वाला, ओहो ये भी एक कमाल का स्वाद नजारा आ गया भाई पूरा। जब भी आप आओ सीपी में तो ये बिल्कुल भी मिस मत करना, हनुमान जी के मंदिर के बाहर कचौड़ी वाले।